भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.3 में अदर इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ वुड इज ऑफ डायमेंशन 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर विच कैन बी कट फ्रॉम इट। इन द अबो केस दैट नंबर ऑफ क्यूब इज एन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक इक्वल टू एन इंटू द नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 5 × 2 × 1 बराबर एन गुना ए गुना ए गुना ए। भाई जो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, वो एन क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो एन की वैल्यू 10। ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म ए सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक हमारे पास स्क्वायर पेपर है जिसकी साइड है 22 सेंटीमीटर, हमने फोल्ड किए थे, फोल्ड करने के बाद हमने सिलेंडर बनाया, तो इस केस में जो हाइट होगी वो भी 22 होगी और जो पेरीमीटर ऑफ द बेस होगा वो भी 22 होगा। इन दिस इन द अबोव केस व्हेन वी रोल्ड द स्क्वायर पेपर टू फॉर्म द सिलेंडर देन सरकमफेरेंस ऑफ द बेस 22, 2πr की वैल्यू 22, r की वैल्यू 7/2, तो रेडियस ऑफ द बेस 7/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ये हो गया हमारा सिलेंडर 22 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, 22/7, 7/2, 7/2, 22 सोल्व करेंगे तो 847 सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5/2, 5.25 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 4/3πr³, 2/3πr³ आएगा, इसे हम तो अपॉन टू करेंगे तो 303.18 के लगभग कर देंगे, इतना ही हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इतना ही करेंगे, थैंक यू।